सूरज कहाँ से आया? हमारे घर दीदी आए पलटो तो दीदी काट के ला गए घास का पुल्ला। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। बड़ों को मेरा नमस्ते, छोटू को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। आप लोग का स्वागत है यूट्यूब चैनल बाड़ी प्रिया जिम्मेवाल ब्लॉग में। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते सब बढ़िया होंगे। तो गाइस मैं भी ठीक हूँ। आज ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मेरी 10 बजे से। तो क्या काम हो रहा है? नाश्ता किया नहीं है तो अब मम्मी बना रहे रोटी। तो हो रहा है फिलहाल अभी काम, जो मैंने कल बताया था गटर बन रहा है तो वो भी बन ही रहा है, अभी हुआ नहीं उसका काम कंप्लीट। तो मैं आज आप लोग को अपने गार्डन में ले चलती हूँ, गार्डन में फेवरी सब्जी के गार्डन में ले चलती हूँ। तो आप लोग को बताते भी रहूँगी और दिखाते भी रहूँगी। ये गोभी, ये है गोभी के पेड़, इसमें पत्ता गोभी भी है और फूल गोभी भी है। तो फिलहाल ना अभी तो हुए नहीं और देखो पत्ता चलने लग गया। तो ये है पत्ता गोभी, क्योंकि ये देखो उनमें बनने लग गई ना। तो ये सब है पत्ता गोभी और कीड़ा पता नहीं क्यों लगने लग गया, अभी छोटे पेड़ों में ही कीड़ा इतना लगने लग गया। और उस साइड है शायद फूल गोभी। और ये किनारे किनारे लगा रखी हमने राई और वो है भिंडी। तो भिंडी ऐसी होती है ना, जैसे काट दो तो दोबारा और आ जाती है, तो हमने काट दी थी तो दोबारा और आ गई उनमें से और लगने लग गई। तो फिलहाल ये आजकल हो जा रही है नाश्ते के लिए, हम लोगों के लिए हो जा रही है सब्ज़ी, बच्चों के लिए भी खास कर के लिए। तो और वो है हमारा लहसुन का, लहसुन की क्यारी है। और किनारे किनारे हमने थोड़े चुकंदर के पेड़ भी लगा दिए। और उससे उधर को है, उस साइड को है राई, उस साइड को भी राई है। और उससे पल्ले किनारे भी लहसुन है और किनारे किनारे राई है। और थोड़े टमाटर के पेड़ भी लगा रखे हैं, फिलहाल अभी छोटे ही हैं। तो ये है और यहाँ पे हुआ है देखो हमारा एक फूल का पेड़ भी और नींबू, नींबू का पेड़ भी है पर नींबू ख़त्म हो गए इसमें, तो हमने सब खा दिए नींबू। और ये है चमसूर और किनारे किनारे मम्मी ने ये कटी वाली राई लगा रखी। इसकी सब्ज़ी इतनी टेस्टी होती है ना, तो अगर इसकी सब्ज़ी इतनी अच्छी होती है, अच्छी लगती है। तो और किनारे किनारे राई फेंक रखी है। और वो है हमारे आलू, क्योंकि मैं पास नहीं जा सकती हूँ ना, उधर मंदिर है तो मैं आप लोगों को दूर से ही दिखा दूँगी, ठीक है। तो वो है आलू के, आलू लगा रखे हैं देखो, आलू आलू के पेड़ इतने बड़े भी हो गए। और जो उस साइड है उसमें है धनिया और उस साइड भी पता नहीं धनिया बोई है मम्मी ने, फिलहाल पता नहीं क्या बोया। और इन दोनों क्यारी में पता नहीं क्या बोया, अभी तक हुआ नहीं है, तो जब हो दिख जाएगा फिर दिखाऊँगी। और ये है हमारे गेहूँ, तो इतने बो दिए। और आज और ये तो हमारे फ़िलहाल पेड़ ही हैं, केले के पेड़ और मिर्ची के पेड़। तो ये है और देखो थोड़े क्या बोलते हैं उसमें बीन्स के पेड़ हैं, तो उसमें बीन्स लटक रखे हैं। अब वो मतलब जब छोटे थे तो अब खाए नहीं, अब वो बीज वाले हो गए, तो अब उनकी दाल या ऐसी सब्जी बनेगी सूखे बीन्स की, तो हम उसमें खा लेंगे इनको तोड़ के। तो सब्जियों का गार्डन दिखा दिया मैंने आप लोगों को कैसा हुआ हमारा। हाँ और एक चीज़ तो दिखाई नहीं मैंने आप लोग को, अभी दिखा दी। ये है पिनो, अरबी मतलब अरबी कहते हैं इसको, पहाड़ी में पिनो बोलते हैं। तो ये है काले वाला और एक होता है हरा वाला। तो ये गाबे मतलब इसको गाबे भी बोलते हैं, हाँ गाबा। तो ये भात के साथ बहुत अच्छी सब्ज़ी होती है, पहाड़ी लोग तो जानते होंगे खासकर। तो ये तो इसमें पानी भी डालते, तो वो पानी भी मतलब गीला ही नहीं होता, पत्ता पता नहीं क्या होता होगा, कुदरती ऐसी होता है। और ये जो बीच में आ रखे हैं ये तोड़ तोड़ के ना बड़ी टेस्टी, इसका पलियो बड़ा मस्त होता है। और ये देखो ये लग रखे हैं। तो फिलहाल हमने अभी खाई नहीं इसकी एक बार भी सब्ज़ी, या पलियो कुछ नहीं खा रखा है, अब खाएँगे। तो पलियो बहुत अच्छा होता है ज़्यादातर उसका। तो ये था मेरा गार्डन सब्जियों का, तो आपको मैंने बता दिया कि ये क्या क्या सब्जी है, अभी और लगानी है सब्जी। गेहूँ मतलब सब जगह बो दिए हैं, जो नाले किनारे हमारा खेत था वहाँ मतलब कल खाली खेत प्लेन करके आए थे, कल रात हो गई थी तब नहीं बो पाए। तो आज अभी सुबह भैया और पतिदेव दोनों जने मिलके बो के आ गए। तो खाली अब ये सामने वाला मतलब घर के पीछे वाला खेत है, तो इसमें पटेला अटेला मार दिया इसमें भी, तो अभी बोएंगे। और आगे वाला खेत भी उसमें भी बोना है गेहूँ, उसमें तो सामान रखे ना मशीन वसीन पता नहीं क्या क्या सामान है, तो वो सामान हटाएंगे फिर जोतेंगे फिर बोएंगे गेहूँ। तो आगे वाला दिखाती हूँ मैं, आप मतलब घर के पीछे वाला दिखाती हूँ,
प्लेन कर दिया है वो, तो अभी गेहूँ बोएंगे। तो ये है, इसमें बोना है गेहूँ, इसमें मार दिया है पटेला, तो अभी बो रहे हैं इसमें। और इसमें तो अभी बहुत टाइम है क्योंकि ये काम चल रहा है ना गटर का, तो अभी पता नहीं कितने मतलब फ़िलहाल कितने दिन लगते हैं पता नहीं, कुछ पता नहीं है, तो फिर बोएंगे। तो चलो चलते हैं। अब मुझे ये पराल वो आगे वाले खेत में लहसुन बोए ना उसमें डालने के लिए, तो मैं वहाँ ले जाती हूँ ये। तो अब निकालने लग गए खाद और गेहूँ। पहले इसमें बोने के लिए डालते हैं लाइन, एक उसमें खाने में गेहूँ, एक में खाद। तो अभी पाइप के द्वारा निकल भी जाता है नीचे, अब बो भी दिया। और देखो पत्थर अत्थर है, पत्थर अत्थर कहाँ से आए इतने, पत्थर कहाँ खाद है ये, वो पत्थर भी है, वो देखो तगड़ी पत्थर भी है। सूरज कहाँ से आया हमारे घर, दीदी आए पलटो, आज नाश्ता करने आ गए। आज पता है ना इनको भी देवरानी नहीं खिला सकती है, आज देवरानी खुद खाने वाली है, है दी तभी आए हो तुम। मैंने भी फोन उनको, तो शादी के कार्ड दुनिया भर के, शादी है भगवान, सीजन स्टार्ट तो कार्ड में कार्ड। ये आ गया 27 नवंबर, जनगढ़ हरीश और दीपा, तान सिंह जिम्मीवाल, कमान सिंह धामी। बोया है लहसुन, तो अब मैं आ गई इसमें पराल डालने, इतना तो मम्मी ने डाल दिया था, तो अब मैं लाई हूँ। और इसमें बो रखा है वो चने, तभी चने के पेड़ दिखने भी लग गए, देखो ये छोटा छोटे लग रखे हैं। और शायद किनारे किनारे मटर भी डाल रखे हैं, मटर या कलियों वो लगने भी लग गए, वो तो जल्दी जम जाते हैं ना चने, और ये तो जमने लग गए हैं। और यहाँ पे मम्मी पता नहीं, यहाँ पे भी शायद लहसुन बोने वाली है शायद। और ये हल्दी के पत्ते काटने लग गए घास के लिए थोड़े थोड़े करके। और वहाँ पे हमारी लौकी भी लग रही है, अभी देखते हो लगी है करके, दो तो खा भी दी इसमें से लौकी। तो दीदी काट के ला गए घास का पुल्ला, हमारी फिगर देखो कितना अच्छा बना रखा। और हम हो गए भैंस, हम तो थोड़ा खाए तो थोड़े पतले हो जाते हैं, ज़्यादा खा दे तो मोटी जाते हैं रेदी, फिर कपड़े फिट नहीं आते। और इनको जितना भी खाए बिल्कुल लगता ही नहीं शरीर में, लगता है वह दिखता नहीं है। में वो क्या बोलते हैं, ऐसा खाते हैं जो शरीर में लगता भी है और दिखता भी नहीं है ना दी, कितना अच्छा है। तो रात भर ब्रूनो चौकीदारी करता है और दिन में खुट्टे तान पर पौड़ू है। ब्रूनो सही कह रही हूँ ना, मैं सही कह रही हूँ ना, हाँ ले जाओ जितना तुम्हें चाहिए, तब कर ले जाओ जितना तुम्हें चाहिए काला तेल। आओ आओ यहाँ काला तेल बिक रहा है, जिसको भी चाहिए ले जाओ। पियादी को हम फ्री में दे रहे हैं, ये हमारी दीदी है और उनको पैसे में देंगे ना पियादी। तो कितनी बेच रहा मैं ना, तो काला तेल भी तो बिकता है कि मतलब मेरे देवर जी मतलब फ्री में वैसे भी दे रहे, तो लेके जाओ भी। हाँ, तुम दक्षिणा दे के जाओ मेरे को, बढ़िया ही तभी करी मेरे को, तुम दक्षिणा दे के जाओ ना, बोतल और लेके आऊंगी फिर। अच्छा तो इतना बन गया देखो गड्ढा, थोड़ा ही बचा है एक तरफ की दीवार, फिर इसके ऊपर आएगा ढक्कन है वैष्णवी, इसके ऊपर आएगा फिर ढक्कन, फिर ढक्कन ढक्कन तो मुझे बना भी दिया है, बना भी दिया, फिर वैष्णवी करेगी ना पोटी है वैष्णवी, कम का मांगना। हाँ हाँ ठीक है, ज्यादा मत अगना, हाँ थोड़ा थोड़ा अगना। घर सजाया लड़ियों से, अब खोला भी जा रहा है, तभी कह रही हूँ पहले एक एक करके लड़ी लगाते हैं, घर अच्छा दिखेगा दिवाली में चमकेगा करके। तो अब निकाल दिए लड़ियाँ, तो देखो बेथुआ पहले होने लग गया ये,
और बिथुआ पहले होने लग गया मेड़ में, पूरे मेड़ में बिथुआ। और बरसीम के ऐसे हाल है, कितनी पतली हो रखी है बरसीम, कहीं कहीं पे जली भी हुई है ये तो, अरे कहीं कहीं पे जली भी है। और ये मांग में पूरी हुआ है मूली। तो आज बच्चे सीख रहे हैं बोट बनाना, ठीक है, कागज की बोट बनाना ऐसे करके होते हैं, जहाँ पर रहते वहाँ से दबाओ, बराबर फोल्ड करो, हम भी बनाते थे पहले। और ऐसे भी करो, अच्छा ऐसे भी करो, मतलब बुक के जैसा, बुक के जैसे, हाँ बराबर बराबर पहुँचाओ, चारों कोने ऐसे बराबर पहुँचाओ, पहुँचा दिए लिखा, हाँ ऐसे बराबर, ठीक है ना, हाँ दो दो खोलो खाली दो, बस बस। अब इसको ऐसे रख, ये ऊपर की तरफ याला ऐसा ऊपर, अब इसको देख जहाँ पर निशान बना है पर वाला, इसको ऐसे मोड़ो सीधा ही, सीधा सीधा होना चाहिए दोनों कोने, हाँ उसी सीध तक ऐसे कर दे, इसी सीध दोनों कोने सीधे होने चाहिए, दोनों कोने सीधे, हट हट ऊपर वाले को ऐसे करो, एक फोल्ड करो, एक फोल्ड करो ऐसे ऐसे, अब मोड़ो इसको बोर्ड को, अब इसको इधर से इधर डालो, ये इधर से इधर किनारे में ऐसे कर दो कोनों को, हाँ और इसको ऐसे ही देखा मैंने, ऐसे इतना हट हट, हाँ देखा देखा, हाँ इसको ऐसे शाबाश, ठीक है थोड़ा सा टेढ़ा हो गया कोई बात, अब इसको बराबर में सीध कर दो, हाँ बस दोनों तरफ से हो जाएगा। अब इसको भी देख, अब इसको भी फिर और ऐसे ही करना है, ठीक है, ये मोड़ देना है सिदाई में, पूरा नहीं कॉली कौन है ऐसे, पूरा नहीं बाबूजी, पूरा नहीं, ये तो बंदी गई, पूरा नहीं ना ऐसे करना, ऐसे कर ऐसे दिया। ये तो मैंने भी बनाया था इतना, अब जैसे भी इतना बन गया ना, उसको इसके अंदर हाथ डालो, इसको फिर ऐसे करो, हाँ 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 खोल खोल, हाँ प्लेन कर दे पूरा, ऐसे खोल के ये प्लेन हो गया, हाँ ये देख रहन दे मैं वैसे कर, सही तो है ये तेरी भी, जैसे पावन ने रखा वैसे रखो, इसको ऐसे खोल, बस ऐसे खोल नट ऐसे, एक इधर इस वाले यहाँ तक पूरा पहुँचा, हाँ पहुँचा वैष्णो भी, हाँ एक इधर, हाँ और एक इधर, अच्छा ओके, ठीक है अब रुक के रखना, आ गया मेरी भी समझ में, एक इधर और एक इधर, इधर ठीक है रुक के रखे, रुक के रखा ना, फिर इसके अंदर हाथ डालो ऐसे करके, अंदर अंदर हाथ डालो, हाथ डाला वैसे नहीं उल्टा हो रहा आपका, अब इसको ऊपर ऊपर पकड़ो ऐसे, ऊपर बेबी ऐसे ऊपर से, ऊपर से दोनों कोने पकड़ो ऐसे, तू दिखा, अरे यार बहुत इजी, हाँ तू ये दोनों कोने पकड़, ये दोनों कोने ऐसे पकड़, पापा की तरह दो उंगली से ऐसे, और इसको ऐसे खींचो, गलत खींच रही है वैष्णवी को बताओ, पकड़ पतला कागज वो करना है वैष्णवी ने, उल्टा पकड़ा है ऐसे खींच अब ये, ये बोर्ड, वाओ चलो अपने अपने बोर्ड दिखाओ अब, तो आज मयंक वैष्णवी ने और इसके पापा ने बनाई बोट, दिखाओ चलो अपनी अपनी बोट, ऐसे चौड़ा करो, खोल के दिखाओ अपनी अपनी बोट, चौड़ा करोगे ना ऐसे तो ये डूबेगी भी नहीं, फिर अपनी अपनी खोल के दिखाओ बोट, चलो मयंक नीचे से हाथ डालना, ये यहीं पे रखो, हाँ नीचे से ऐसे हाथ डाल, धीरे वैष्णवी नीचे रखो, नीचे से ऐसे हाथ डाल के ऐसे हल्का सा ऐसे कर ले, बस हाथ रख, डूबेगी नहीं ना वैष्णवी, खोल के रखना ऐसी, हाँ हाँ चल सीधे रख, तो देखो मयंक की छोटी वैष्णवी की थोड़ा तीन बड़ी बोट बनके तैयार हो गई है, तो इसके पापा ने सिखाई, वाओ एक और है, हाँ वो भी मेरी, वो कलरफुल है पिंक कलर, सबसे अच्छी वाली कौन सी लग रही है, पिंक पिंक, तो पिंक। आज बच्चों ने सीखी बोट बनानी, सीख गए ना दोनों जने, ये हाँ। पापा की लूंगा।